ओके सो आई थिंक अब मेरी आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। चल तो स्टार्ट करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था, तो सबसे पहले आपका स्वागत है किरण एकेडमी के चैनल पे, और आज इंग्लिश का पहला वीडियो जा रहा है। आज कुछ पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि आज हम एक स्ट्रैटेजी बताएंगे और सिलेबस डिस्कस करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो JSSC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि झारखंड का जैसे ही वैकेंसी आता है तो स्टूडेंट्स के अंदर एक अलग सा एक्साइटमेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ दुविधा, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है जब एक स्टूडेंट सोचता है कि हमें लैंग्वेज कौन सा सेलेक्ट करना, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स नागपुरी की तरफ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स खोरठा जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम तैयारी किस चीज़ की करें। लेकिन मैं यहाँ बताऊँगा कि आपको इंग्लिश क्यों लेना चाहिए और इंग्लिश लेने से आपकी क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा कोर्स डिस्कशन कर लेते हैं कि JSSC में इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है, पेपर वन में कितना वैल्यू है, पेपर टू में कितना वैल्यू है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोगों को जो देखना है, ठीक है, एक सेकंड का टाइम लेना चाहूँगा, एक सेकंड। मैं थोड़ा सा एक मिनट ओपन कर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों की कमेंट सेक्शन भी देख सकूँ, इन केस अगर किसी को डाउट होगा तो। जस्ट अ सेकेंड। चलो तो मैं क्या बोल रहा था, अब आप लोग जो कमेंट करोगे मैं उसे देख सकता हूँ, ठीक है। आई थिंक थोड़ा मेरे फ़ोन में नेट का प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है। चलो सो नमस्कार सर, उदित सर लाइव में हैं, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा था कि सबसे पहले इंग्लिश के पेपर वन का मैं डिस्कशन कर देता हूँ कि पेपर वन में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पेपर वन वही होता है एक जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन, ठीक है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि वहाँ पे आपसे ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, सबसे पहला पॉइंट है पेपर वन में जो इंपॉर्टेंस आया है वो है ग्रामर का। ग्रामर का अपना वैल्यू है, ठीक है, हर एक एग्जाम में होता है, सिर्फ JSSC में नहीं, किसी भी एग्जाम में बेसिक ग्रामर तो पूछा ही जाता है। दूसरा होता है आपका वोकैब का। अब वोकैब में अलग अलग सेक्शन हो सकते हैं, जैसे आपका हो सकता है पर्यायवाची हो सकता है जिसे हम लोग सिनोनिम्स पूछते हैं, विलोम शब्द होते हैं जिसे हम लोग एंटोनिम्स बोलते हैं, हमारा मुहावरे इडियम्स होते हैं, तो ये तरह के कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तीसरा जो एक सेक्शन होता है वो है RC, जिसे हम लोग कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलिए या अनसीन पैसेज बोलिए, इस तरह से सेम अलग अलग एग्जाम में फॉर्मेट में अलग अलग नाम होता है, लेकिन कुल मिला के ये तीन चीज़ किसी भी बेसिक एग्जाम का पिलर होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये तीन सेक्शन के लिए आपका ओपन और फ्री में लाइव वीडियो मिलेगा आपको, यानी पेपर वन की जो बेसिक इंग्लिश है, जो क्वालिफाइंग है, जो टोटल 60 मार्क्स का है, ठीक है, इसमें इसके लिए जो प्रैक्टिस जाएगा YouTube में ओपन जाएगा और फ्री जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करा दूंगा कि ग्रामर के कुछ कुछ क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, जैसे टेंस से क्वेश्चन आती है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से क्वेश्चन आती है, आपके नॉन फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब से क्वेश्चन आती है, तो किस तरह के संभावित सवाल अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं उसको एक गेस करके हर एक चैप्टर से 10 रूल 5 रूल 15 रूल निकाल के आपको हम प्रैक्टिस करा देंगे, ताकि उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे ग्रामर के स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी में हम लोग सिनोनिम एंटोनिम मुहावरे यानी इडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लाइव, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे हर एक टॉपिक से लगभग 200 क्वेश्चन कर लेने का, ठीक है। और लास्ट में हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करेंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा परेशानी का पार्ट बन जाता है जो स्टूडेंट्स की रीडिंग थोड़ी कमज़ोर है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा बहुत भी रीडिंग किए हो ना, तो पक्के तौर पे मैं बताता हूँ ये सबसे आसान सेक्शन है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका एक कमज़ोर पिलर हो चाहे स्ट्रांग पिलर हो, ये आसानी से और अच्छा नंबर दे सकता है। तो आपको जैसे कि पता होगा कि पेपर वन में लैंग्वेज में 60 नंबर का इंग्लिश है, 60 नंबर का हिंदी है।
जिसमें टोटल आपको 30 मार्क्स लाने हैं, इंग्लिश का जिम्मेदारी मेरा है, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे, यानी हम लोग बात करेंगे पेपर टू के बारे में, समझते हैं। पेपर टू जैसे कि आप देख सकते हो, पेपर टू में टोटल होंगे 100 क्वेश्चंस इंग्लिश के, ठीक है। तो अगर आप लोग, जो लोग इंग्लिश लेना चाहते हो, जो हिंदी या नागपुरी खोटा अलग लैंग्वेज पे नहीं जाके इंग्लिश लेना चाहते हो, तो उनके लिए जान लो कि पेपर टू में टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और दो पार्ट में डिवाइड है। यहाँ एक नया पार्ट आएगा, एक टॉपिक आएगा। तो सबसे पहले तो लैंग्वेज में तो वही होगा सिमिलर जो कि मैंने अभी समझा दिया। दूसरा भाग एक आएगा आपका, वो है लिटरेचर। अब इन दोनों को थोड़ा सा विस्तार से, थोड़ा इन डेप्थ समझते हैं कि इन लोगों का, इन दोनों टॉपिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है और कौन कौन से सेगमेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज का, यानी हमारा जो पहला भाग है, सबसे पहले जो हमारा भाग है वो है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में कौन कौन से टॉपिक आते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंस रखते हैं, याद रखिए ये लैंग्वेज वही चीज़ है जो पेपर वन में भी आपका हेल्प करेगा, पेपर टू में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहला है आपका एरर रिकॉग्निशन। अब इसको एरर स्पॉटिंग बोलते हैं, ठीक है, या एरर रिकॉग्निशन बोलते हैं। होता क्या है, एक सेंटेंस में आपको ग्रामर की गलती फाइंड करनी पड़ती है। दूसरा हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे, बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे पूछ देगा कि इन रांची होता है या फिर एट रांची होता है, बेसिक सवाल पूछेगा, ये ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछेगा, प्रीपोजिशन पे पूछ सकता है सवाल, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी मैंने बता दिया कि वोकैबुलरी में सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब आते हैं। स्पेलिंग के एक दो क्वेश्चन दिख सकते हैं, बहुत हाई नहीं आएंगे, एक ही तरह के दिखने वाले चार वर्ड लिखेंगे, एक दो वर्ड में, एक दो लेटर में प्रॉब्लम करके स्पेलिंग का एरर वहां पे निकाला जा सकता है, ठीक है। गुड आफ्टरनून, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर। अब ये एक सेगमेंट है जो बहुत डेप्थ भी में भी पढ़ा जा सकता है और बहुत काम लायक एग्जाम के हिसाब से टू द पॉइंट भी पढ़ा जा सकता है। ग्रामर को लोग एक साल भी पढ़ सकते हैं, ग्रामर को लोग एक महीने में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होता है, एक स्टूडेंट जो ग्रामर का बुक ले लेता है उसको समझ में नहीं आता कि इसमें क्या पढ़े, कितना डेप्थ पढ़े। तो ट्रस्ट मी, हर एक ग्रामर का चैप्टर इंपॉर्टेंस नहीं होता है कभी भी। मेरे एनालिसिस से, मेरे जितने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है सबसे ज्यादा अगर ग्रामर के किसी भी टॉपिक से सवाल पूछा जाता है तो वह है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दूसरा है कंजंक्शन, तीसरा है टेंस, चौथा है प्रोनाउन, पांचवा है आपका प्रीपोजिशन। हर चैप्टर का उतना ज़्यादा वेटेज नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग वेटेज के हिसाब से, इंपॉर्टेंस के हिसाब से, ज़्यादा जिसे संभावित प्रश्न आ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो करेंगे। तो इसमें कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गया, इंटरचेंजेबिलिटी लिखा हुआ है ऑफ नाउन एंड वर्ब, हालांकि ये इंटरचेंजेबिलिटी भी ग्रामर का ही रिलेटेड है, चेंज करना, ठीक है। जेरेंड, ये एक तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये जो तीन चीज देख रहे हो आप, जेरेंड देख रहे हो, पार्टिसिपल देख रहे हो और इन्फिनिटिव देख रहे हो, यहाँ पे जिसने भी ये एक्चुअली सिलेबस में लिखा था, ये नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फिर है आपका एडवर्ब, क्रिया विशेषण जिसे बोलते हैं, टेंस जिसे हम लोग काल बोलते हैं, क्लॉज हो गया सेंटेंस का भाग, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, नरेशन, वॉयस और प्रीपोजिशन। तो ग्रामर के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को करना है। इसके बाद है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, असर्टिव होता है, ऑप्टेटिव होता है, इंपरेटिव होता है, वो यहाँ पे हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये वोकैबुलरी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, ये वही भाग है, ऐसा नहीं है, ये जो सिलेबस एक्चुअली JSCC ने बनाया था या ये जो पार्ट जिसने भी पब्लिश किया है अपने PDF में,
सेम चीज को दोबारा लिख दिया गया, यानी वोकैबुलरी ही है, सिनोनिम वोकैबुलरी, एंटोनिम वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी वोकैबुलरी के पार्ट में आ जाता है, ठीक है। तो यहां से मुझे लगता है कि किसी ने कॉपी पेस्ट करके वो किया था, इसे बेटर वे में वोकैबुलरी को यहां लिख के साथ में समझाना चाहिए था, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों वोकैबुलरी के भाग हो गए, और लास्ट में वही आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, मतलब आरसी बोलिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलिए या पैसेज बोलिए, ठीक है। तो ये हमारा लैंग्वेज का भाग हो गया। अब इस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, इस पे हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे पेपर टू के लिए, सेंटेंस क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ताकि आपका एक फाउंडेशन बन जाए पहले, अगर आपने बहुत साल से ग्रामर नहीं पढ़ के रखी है तो। और फिर हर चैप्टर पे 30 40 50 क्वेश्चंस करते जाएंगे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो थ्योरी कहीं से पढ़ सकते हो आप, YouTube में 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, लेकिन मैं ना इंपॉर्टेंस के हिसाब से क्वेश्चन बताऊंगा कि ये देखो इंपॉर्टेंस बाकी एग्जामों में भी आया है, बिहार के एग्जाम में आया है, सेंट्रल सीजीएल लेवल के एग्जाम में आया है, तो वो क्योंकि हमने देखा है पिछले 10 साल 20 साल के क्वेश्चंस को हमने देखा है बाकी एग्जाम्स में भी, तो हमें भी पता है कि इस टॉपिक से किस तरह से पेपर में एग्जाम को सेट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, अब ये कुछ नया होगा उन लोगों के लिए जो लोग इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं है, हालांकि सभी लोगों ने 11th 12th या ग्रेजुएशन में सब्सिडरी में थोड़ा बहुत शायद पढ़ा होगा, या एटलीस्ट 10th तक तो लिटरेचर पढ़ा ही होगा आपने। अब लिटरेचर डिवाइडेड है अलग अलग 7 पार्ट्स में, जिसमें पहला है नोवल, फिर है ड्रामा, फिर है पोएट्री, फिर है शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, फिर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और ये कुछ नया देखने को मिला है जो जेएसएससी इस बार किया है, वो है फोनेटिक्स। अब ये फोनेटिक्स हो सकता है कि आपको पता ना हो कि फोनेटिक्स क्या है, तो उसको हम लोग समझाएंगे फोनेटिक्स क्या है। ये कुछ स्पीच और साउंड से रिलेटेड टॉपिक होता है, ठीक है। चलो तो अब इसमें भी समझ लेते एक एक करके कि जेएसएससी ने लिटरेचर में हर एक पॉइंट पे, हर एक कैटेगरी में किस किस टॉपिक पे, किस किस राइटर्स के स्टोरी या नॉवल को हमें सिलेबस में दिया गया है पढ़ने के लिए, ठीक है। चलो तो अब आते हैं, सबसे पहले हमारा जो है वो है लिटरेचर, लिटरेचर में नॉवल। अब नॉवल में देखिए कौन कौन से नॉवल पढ़ना है। पहला है द ओल्ड मैन एंड द सी, बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है, एक बूढ़े आदमी की जो फिश पकड़ने जाता है, बहुत मजेदार स्टोरी है, सी में उसके साथ बहुत सारा त्रासदी होता है, ट्रेजेडी होता है, तो इसको ना सब्जेक्ट के तौर पर मत पढ़ना, इसको ना स्टोरी और कहानी के तौर पर पढ़ना। ये लिखी गई थी अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगा, और इस पे लगभग 50 मान के चलो, मैं इस पे लगभग 50 से 100 MCQ करवा दूंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि ओल्ड मैन एंड सी से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा नॉवल आता है द पेंटर ऑफ साइंस, जो आर के नारायण ने लिखा था। ये वही व्यक्ति हैं जो मालगुडी डेज को लिखे थे, आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट वो मालगुडी डेज, ठीक है, वो वही राइटर की लिखी हुई है। अब जब कभी भी कोई फेमस राइटर जैसे आर के नारायण, इंडियन राइटर है, इनकी कहानियों पे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जरूरी नहीं है कि द पेंटर ऑफ द साइन पे पूछा जाए, हो सकता है कि आर के नारायण के बारे में भी पूछ लिया जाए, उनकी उपलब्धियां पे पूछ लिया जाए, उनको अभी तक अवार्ड क्या मिले हैं ये भी पूछ लिया जाए। तो सिर्फ हमें स्टोरी पे ध्यान नहीं देना, इस ऑथर के बैकग्राउंड, इनके में भी जन, इनके फेमस जितने भी स्टोरीज इन्होंने लिखे हैं, जितने नॉवल लिखे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग साइड में जान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पावर एंड द ग्लोरी, जो ग्राम ग्रीन ने लिखा है, और लास्ट है फास्टिंग फीस्टिंग, अनीता देसाई इंडियन राइटर है। तो यहां पे जैसे कि अगर हम नॉवल के एनालिसिस करते हैं, तो मेरे हिसाब से हम देख रहे हैं कि दो फॉरेन राइटर्स को दिया गया है और दो इंडियन राइटर्स की यहाँ पे नॉवल को सिलेबस में डाला गया है, ठीक है। तो अच्छा है, दोनों का मिक्सचर है, ओके। तो नॉवल हमारा हो गया, नॉवल के बाद हम नेक्स्ट आते हैं, हमारा है ड्रामा, ठीक है, ड्रामा। अब ड्रामा में सबसे पहले दिया गया है द टेम्पेस्ट, इंग्लिश लिटरेचर के सबसे फेमस जो राइटर है, ठीक है, जो नाम है, ठीक है, वो है विलियम शेक्सपियर, और इनका तो डालना ही था, विलियम शेक्सपियर का तो कहानी आएगा ही आएगा, ये तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। द टेम्पेस्ट बहुत ही मजेदार स्टोरी है, एक सी में, एक समुद्र के आइलैंड में फंसा हुआ बाप, और वहाँ पे वो एक पुराना राजा रहता है, ठीक है, एक किंगडम का, जो अब मतलब उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, और वो वापस जाके अपने किंगडम को कैसे एक्वायर करता है, बहुत मजेदार स्टोरी है। नेक्स्ट और मजेदार स्टोरी है डॉक्टर फॉशस का,
जिसने लिखा है क्रिस्टोफर मार्लोवे ने लिखा है। क्रिस्टोफर मार्लोवे ने ये बहुत तगड़ा नॉवल लिखा है, ये आई मीन ड्रामा लिखा है। ये स्टोरी जब आप पढ़ोगे तो बहुत आपको मजा आएगा। डॉक्टर फॉशेस की कहानी थी कि वो अपना आत्मा सोल एक किसी एक शैतान को बेच देता है ताकि वो लंबे समय तक जिंदा रहे, ठीक है। तो डॉक्टर फॉशेस बहुत मज़ेदार है। फिर है फाइनल सॉल्यूशन जो महेश दत्तानी का है, और हरियावदना दैट इज गिरीश कर्नाद का है। अब ये गिरीश कर्नाद एक बहुत ही फेमस एक्टर भी है, ये सिर्फ राइटर नहीं है। गिरीश कर्नाद बॉलीवुड में आपने इन्हें कुछ मूवीज़ में देखा होगा, जैसे कि टाइगर जिंदा है में जो रॉक के जो ये रहते हैं हेड रहते हैं, ठीक है, टाइगर जिंदा में है वो गिरीश कर्नाद ने लिखा था। तो ये हमारा ड्रामा का स्टोरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पोएट्री। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। मेरे हिसाब से कुछ स्टूडेंट्स के लिए पोएट्री थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि पोएट्री का जो लैंग्वेज होता है लिखने का थोड़ा सा लैटिन भाषा के नज़दीक चला जाता है। लेकिन हमें पोएट्री को एक एक लाइन को नहीं पढ़ना, पोएट्री के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को पढ़ना, उसका अनुवाद उसका ट्रांसलेशन बेसिक तरीके से करना। तो पोएट्री में डाला गया है सोनेट 29 जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, द रेनबो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, द ट्रैवलर वॉल्टर डे मारे ने लिखा है, मेयर वॉल्टर डे डले मेयर। नेक्स्ट है लीड किंडले लाइट, कार्डिनल न्यूमैन ने लिखा है, द स्प्लेंडर फॉल्स अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है, ओड टू अ नाइटिंगेल जॉन कीट्स, बहुत फेमस लाइक एक पोएट है, ठीक है। नेक्स्ट द हॉलो मैन टी एस इलियट का, टेलीफोन कन्वर्सेशन वोल सोइनका का, और अ रिवर ए के रामानुजन का। तो लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पोएम किया गया। अब हर एक पोएम से हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे, थोड़ा सा उसका ट्रांसलेशन देख लेंगे ताकि आपको इसमें पकड़ अच्छी मिल जाए, ठीक है। ये मेरा काम है कि हर एक पोएम को हम किस तरह से आपको अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट स्टोरीज़ का। शॉर्ट स्टोरीज़ क्या है, ये भी छोटे छोटे स्टोरीज होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, ठीक है। तो पहला है अ स्नेक इन द ग्रास, आर के नारायण, फिर से वही राइटर आ गया। यानी इस बार ये राइटर का दो चीज़ दिया गया, एक नोवेल में भी दिया गया, शॉर्ट स्टोरीज भी दिया गया। तो यानी मान के चलो जब JSSC ने दो बार यानी शॉर्ट स्टोरीज में भी आर के नारायण का नाम रखा है एंड इंक्लूड किया इसे नोवेल में भी, यानी इनसे क्वेश्चंस आने का संभावना ज़्यादा है। दो जगह इनका इंपॉर्टेंस दिख रहा है, दो वर्क्स इनका इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट है द कास्ट अवे, रविंद्रनाथ टैगोर का है। अब देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक और किताब लिखी थी गीतांजलि, तो हो सकता है कि इसके साथ साथ गीतांजलि पर भी पूछ दे वो क्वेश्चन। तो जानना है पहले रविंद्रनाथ टैगोर कौन कौन से बुक लिखी, क्या उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, किस चीज के लिए मिला था, कब मिला था। तो थोड़ा सा ऑथर के तरफ भी जाता है लिटरेचर में, सिर्फ वो पोयम व कहानी पे नहीं रहेगा, ऑथर के तरफ भी वो डाइवर्ट करेगा और क्वेश्चंस वहां से निकालता है। तो ये समझना है कि रविंद्रनाथ टैगोर और आर के नारायण पे थोड़ा हमें अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट है द मैन ऑफ द हाउस, फ्रैंक ओ कॉर्नर का है, द फ्लड कमदा मारकंदिया का है, द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड HG Wells। HG Wells ने एक बहुत शानदार कहानी लिखा था, ये लिखा था द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, ठीक है। ये इनका बहुत फेमस, मतलब मैं बोलूं अगर फेमस होने के तौर पे अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा ये स्टोरी उनका फेमस हुआ था। तो हो सकता है द वॉर ये पूछ दे कि HG Wells का दूसरा नॉवल क्या था, ठीक है, या स्टोरी क्या था। तो द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स उन्होंने लिखा था, इस पर मूवी भी आया था टॉम क्रूज का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द बेसमेंट रूम, ग्राम ग्रीन। अच्छा, ग्राम ग्रीन का भी दूसरा दो बार यहाँ पे उनके वर्क्स का यूज किया जा रहा है। तो जो जो दो बार आए हैं, जैसे आर के नारायण, ग्राम ग्रीन, इंपॉर्टेंस में आपका रविंद्रनाथ टैगोर, इनके कामों को थोड़ा अच्छे से हमें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा एसे। ये थोड़ा सा नया टॉपिक टाइप का है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब ऐसे में सबसे पहले दिया गया वॉलंटरी पॉवर्टी जो M.K. गांधी ने लिखा है। तो अब M.K. गांधी का नाम दे दिया तो चांस है कि यहां से कुछ क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। उसके बाद है डिसिप्लिन ऑफ द डेली फॉर डेली लाइफ, लुइस मम्फोर्ड ने लिखा है, नाम यहां पर आ गया, लुइस मम्फोर्ड की ये ऐसे है। नेक्स्ट है द सिविलाइजेशन ऑफ टूडे जो लिखा है CEM जॉर्ज ने, ठीक है। नेक्स्ट है लेटर टू अ टीचर, नोरा रोसी एंड टॉम कोल जिसने लिखा है। फिर लास्ट है कमला नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो देखो M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनके ऐसे को भी शामिल किया गया।
अब जवाहरलाल नेहरू से दूसरा काम पूछ सकता है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था माई इंडिया, शायद उनके दूसरे काम से भी क्वेश्चन पूछ दे, बस बेसिक सा क्वेश्चन पूछ दे, किताब पे ये नॉवल किसने लिखी है। तो अब जैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ऑलरेडी इंडियन इंडिया के हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नाम रखते हैं और इनको लिटरेचर में भी जोड़ा गया है, तो चांसेस है कि इनके कामों से भी क्वेश्चंस आने का पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ऐसे हो गया। ऐसे के बाद हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसका लैंग्वेज कहाँ से आया, कैसे बना, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन कौन से लैंग्वेजेस से डिराइव किया गया है, लैटिन्स का इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंस रहा है, ग्रीक वर्ड से क्या क्या वर्ड लिए गए हैं। तो क्योंकि इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेजेस से कुछ कुछ वर्ड को डिराइव करके रखा है, आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिया वर्ड से आया है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है वो, तो ये सब चीज भी थोड़ा बहुत इसमें दिया रहेगा। तो ये दो टॉपिक हमें करने हैं और इसके बाद में लास्ट है हमारा फोनेटिक्स। अब फोनेटिक्स क्या है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन अगर फोनेटिक्स आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है कि ये आपको समझ में नहीं आएगी। तो फोनेटिक्स इज नथिंग बट स्टडी स्पीच और साउंड से रिलेटेड, एक स्टडी होता है, अभी मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताऊंगा, बस समझ लो स्पीच और साउंड से रिलेटेड होता है। तो इसमें पढ़ना है टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फोनेटिक्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, ठीक है, जो बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया था और अ कोर्स इन फोनेटिक्स पी लेडफोर्ड का लिखा हुआ है। तो ये रहा हमारा सिलेबस। ठीक है, अब देखो छोटा सा इंपॉर्टेंट बात लास्ट में, पेपर वन की तैयारी हम फ्री में करवाएंगे। ठीक है, पेपर वन के लिए आपके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, दैट विल बी टोटली फ्री। लेकिन पेपर टू के लिए हमने एक छोटा सा अमाउंट रखा है। ठीक है, पेपर टू के लिए ऐसे फी हम लोगों ने डिसाइड किया था 999 का, बट आपके लिए हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज 699, ये हमारा कोर्स फी रहेगा। और एग्ज़ाम से पहले तक जितना ज़्यादा डेप्थ में हो सकता है, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और मुझ पर ट्रस्ट करके अगर इस कोर्स में एनरोल करते हो, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम आपको अच्छे क्वालिटी कंटेंट दें, ताकि आपका एग्ज़ाम्स में पास करना तो खैर मैटर ही नहीं करता, आपको डिस्टिंक्शंस लाना है। क्योंकि आपको पता है कि झारखंड को लेके लोग कितने पागल हैं। तो अब होता क्या है, मैं 50 बुक का नाम दे दूँ तो आप नहीं पढ़ सकते हो, आप 10 जगह से पढ़ नहीं सकते हो, आपको एक जगह पे सब चीज़ की तैयारी अच्छे से कराई जाएगी। कम से कम मेरे सिलेबस का, मेरे टॉपिक का आपको चिंता नहीं करना, ठीक है। और आप अगर बाकी और किसी सब्जेक्ट की भी तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पे देख लेना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएगी, लेकिन इंग्लिश में आपको मैं A1 कंटेंट दूंगा, ठीक है। और क्लासेस हम लोग टाइमिंग रखेंगे, टाइमिंग हमारा रहेगा जनरली 2 बजे, 2 PM हम लोग लाइव आके डिस्कस करेंगे, जहाँ पे अभी हम लोग पेपर वन का तैयारी पहले शुरू में स्टार्ट करवाएंगे और बाद में धीरे धीरे लिटरेचर और पोएट्री को भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। अगर कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़, या अगर वीडियो अभी लाइव नहीं देख रहे हो, अगर आप बाद में देखोगे, कुछ लोग बाद में देखेंगे, तो कमेंट ज़रूर कर देना, आपके कमेंट का मैं आंसर दे दूंगा किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, किसी भी तरीके का दिक्कत हो तो प्लीज़ कनेक्ट करें हमसे, मिलते हैं आपके साथ लाइव सेशन में कुछ अच्छे सवालों के साथ, कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।